नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते आज की खास खबरों पर। रामनवमी पर्व को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक के नेतृत्व प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारी ने आज मऊ भंडार अम्बेडकर चौक से घाटशिला थाना तक फ्लैग मार्च निकाला। मौके पर घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने कहा कि रामनवमी पर्व के मद्देनजर को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षा बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाया है। कोई भी व्यक्ति किसी पर अभद्रता का शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वह गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। चौक चौराहे पर सड़क के किनारे खड़े वाहनों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आवागमन बाधित होता है तो वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोपो, घाटशिला अंचल अधिकारी राजीव कुमार, इंस्पेक्टर शंभू प्रसाद गुप्ता, ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत काफी संख्या में प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। हम लोगों ने आने वाले कल परसों जो है रामनवमी को लेकर हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है और एक संदेश देने का काम किया है कि हमारा जो है हम लोग का प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन हो दोनों काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं और एक पब्लिक को भयमुक्त माहौल में जो है यहाँ का जो है रामनवमी का पर्व को जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाए जाने के लिए हम लोगों ने आग्रह भी किया है, उनको हम लोगों ने विनती भी किया है और हम लोग उस तरह से मनाएंगे और हम लोगों ने सबका सपोर्ट करते हुए दोनों का सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश भी किया है और इससे एक मैसेज आएगा कि कोई उपद्रवी या किसी प्रकार के जो असामाजिक तत्व है वो ये नहीं रहे कि उसको प्रशासन छोड़ने जा रही है, वो सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करें, कोई ऐसा हम लोग को सूचना मिलती है या हम लोग कहीं कोई दिखता है। रामनवमी के त्यौहार को लेकर हम लोग एस डी ओ साहब के द्वारा जो फ्लैग मार्च किया गया इसमें लोगों को बताना था कि शांति पूर्व की तरह से मतलब जैसे पिछला साल शांति इस दो साल के पहले जो शांति ढंग से मतलब रामनवमी का पूजा त्यौहार मनाया गया उसी तरह इस साल भी अच्छी तरह से मनाएं और सबको इसका संदेश दिया गया कि आप लोग अच्छी तरह से सब मनाएंगे। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शिलान्यास क्षेत्र के विधायक सह राजकीय मंत्री गुप्ता ने किया। 3.5 किलोमीटर की इस सड़क का जीर्णोद्धार 3,66,00,000 के राशि से पूर्ण किया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने चेपा पुल के पास इसका विधिवत शिलान्यास किया। गौरतलब हो कि विगत कुछ महीनों पूर्व पुरुलिया रोड का भी जीर्णोद्धार मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर हुई थी और अब ओल्ड पुरुलिया रोड का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो का चौमुखी विकास किया जा रहा है। मानगो में तिरसे पुल के निर्माण हेतु सॉइल टेस्ट किया जा चुका है, साथ ही मानगो के लोगों को तिरसे पुल का सौगात मिलेगा। जमशेदपुर से रिपोर्ट इकबाल आलम की। इस सड़क का चौड़ीकरण भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ था और इस सड़क को क्योंकि ये दोनों सड़कें बहुत इस इलाके के लिए अति महत्वाकांक्षी सड़कें हैं और इससे काफी लंबा चौड़ा यातायात व्यवस्था चलती है। उसके बाद मैं चुनाव हार गया था, हारने के बाद मैंने देखा कि सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में हो गई, फिर हमने इसको लग भिड़ के प्रयास करके इसका जो है पहले ये मानगो वाली सड़क आप देख रहे हैं ठीक हुई है और अभी ये ओल्ड पुरुलिया रोड की ये सड़क है, लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका जो है क्षेत्र है और इसमें लागत 3,66,00,000 रुपया लागत से इस सड़क को फिर से हम लोग इसका पक्कीकरण, सौंदर्यीकरण और थोड़ा इसको इसके वाइडनिंग पे भी काम करेंगे और ठीक इसके बाद यहाँ मानगो में और बहुत सारी सड़कों को बनना है और आप देख रहे हैं लगातार हम लोग मानगो पुल को भी हमने टाटा स्टील के एमडी साहब से प्रार्थना किया था कि उस पुल को भी फिर से चुस्त दुरुस्त किया जाए और बहुत जल्दी हम लोग मानगो में एक दूसरे पुल का भी सौगात देने जा रहे हैं और परमात्मा ने चाहा तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी उसका जो है शिलान्यास भी करेंगे और मुझे लगता है कि वो पुल बन जाने के बाद मानगो में जो अभी जाम वगैरह की समस्या है वो जाम वगैरह की समस्या से निजात मिलेगा, इसलिए क्षेत्र का लगातार हम लोग विकास करने के लिए संकल्पित हैं
और आप देख रहे हैं कि मानगो में जो रोड डिमना तरफ जाती है उसके बीच वाले हिस्से को भी हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पार्क वगैरह बना रहे हैं, लोगों को बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और वहां कुछ ओपन जिम वगैरह लगाएंगे तो ताकि जो है मानगो के लोगों को जो है उनको कहीं दूसरे जगह अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। और उस रोड को भी हम लोग टाटा कंपनी को ये लिख के दे दिया गया है कि या तो आप तुरंत उसको बना दीजिए और नहीं तो फिर उसको हम लोग टेक ओवर करके बनाएंगे। ये किस मद से ये बन रहा है, ये ओल्ड कॉलोनी राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग की तरफ से बन रहा है और हमने वो जो डिमना वाला रोड है वो रोड चूंकि टाटा कंपनी ने उसका देखभाल का जिम्मा और जवाबदेही लिया है लेकिन लगातार वहाँ पर काम अभी नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने अपने तरफ से भी उनको कह दिया है, ताकीद किया है कि या तो आप तुरंत इसको ठीक ठाक कर दीजिए और अन्यथा फिर हम लोगों को अपने आरसीडी विभाग से फिर उसको टेक ओवर करना होगा। और मैं समझता हूँ कि वो काम भी जल्दी टाटा स्टील भी करेगी और हम भी करेंगे। तो कितना समय लगेगा इस रोड को पूरी तरीके से बनने में? ये 2 महीना में आपको एकदम रोड चकाचक दिखने लगेगी। रामनवमी को लेकर सरायकेला खरसावा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शनिवार को उपयुक्त अरवा राजकमल एवं एसएसपी आनंद प्रकाश सहित जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आदितपुर गमदिया और कांडरा की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के लोगों को रामनवमी की शुभकामना देते हुए सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलूस के समय में परिवर्तन कर दिया है। लोग अब प्रेम और भाईचारे के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने जिले वासियों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने की अपील की। इस दौरान सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार गमरिया, बीडीओ मारुति मिंज, एसडीपीओ हरविंदर सिंह गमरिया, सीओ मनोज कुमार, आदितपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे, आरआईटी थाना प्रभारी तंजिल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आदितपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा। रामनवमी के त्योहार एक सुंदर वातावरण में शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की कामना प्रशासन कर रही है और आपका आयोजन एक श्रद्धा के साथ सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए कराने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त फोर्स एंड मजिस्ट्रेट का व्यवस्था किया ताकि किसी तरह का तनाव कहीं पैदा नहीं हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत सारे पूजा समितियों का मांग ये रहा था कि 6 बजे थोड़ा अर्ली होता है, हम लोगों को 7-8 बजे तक अखाड़ा निकालने के लिए अनुमति दे दीजिए, तो सरकार आपकी बात मान लिया है और मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फीडबैक जो मिला है उसके आधार पर राज्य सरकार ने 10 PM रात 10 बजे तक अखाड़ा के लिए अनुमति दिया है और जो नंबर लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन रहेगा वो लगातार रहेगा क्योंकि अभी भी कुछ जगह पे कोविड के केसेस का सिचुएशन आ रहा है, 4th वेव के बारे में भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि एक शांतिपूर्ण वातावरण लाइसेंसी गैर लाइसेंसी जितने भी अखाड़ा हैं उनके जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि त्यौहार का जो माहौल है लगातार पिछले 20-22 साल में सुंदर वातावरण में आदितपुर सरायकेला क्षेत्र में मनाया जाता है, इस बार भी क्योंकि 2 साल थोड़ा कोविड के चलते कार्यक्रम कुछ हो नहीं पाया होगा तो नया गाइडलाइन के अनुसार अच्छे वातावरण में कार्यक्रम करें और हमारे सेलिब्रेशन दूसरों के लिए तकलीफ नहीं पैदा करना है, यही बेसिक एम्पथी के साथ हम लोग अपने भाईचारा के साथ हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। इसी का तैयारी का जायजा लेने के लिए हम लोग पूर्व में चांडिल का विजिट भी दोनों पदाधिकारी के द्वारा मेरे द्वारा एसपी के द्वारा किया गया है। अभी आज एसपी साहब और मैं आदितपुर थाना क्षेत्र में भी विजिट कर रहा हूँ, अभी पाठक बाजार क्षेत्र में अभी देखा हूँ और भी 2-3 पॉइंट और देख लेंगे और कुछ जगह पता चल रहा है कि ज़्यादातर 11 तारीख को अखाड़ा निकलने की सूचना है तो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट फोर्स मैजिस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में हम दोनों दिन के लिए माने 10 और 11 तारीख को भी हम लोग फोर्स मैजिस्ट्रेट के इंतजाम। सर ट्रैफिक थाना लेवल पर डिसीजन होगा क्योंकि चांडिल क्षेत्र में थोड़ा हेवी व्हीकल का मूवमेंट रहता है, NH पे अखाड़ा निकलता है तो कुछ सीमित समय के लिए पूजा समितियों के साथ बात करके वहाँ संबंधित SDO, SDPO इस संबंध में निर्णय लेंगे। यहाँ के लिए भी रिस्ट्रिक्शन SDO, SDPO अपने स्तर से मैं
46 लाइसेंसी और 23 गैर लाइसेंसी, 69 लाइसेंसी है, लेकिन सभी लाइसेंसी जुलूस नहीं निकालेंगे। जैसा कि आदित्यपुर थाना प्रभारी बताया गया कि यहाँ पे कुल 12 अखाड़े हैं, लेकिन साथी जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो 69 की संख्या है, तो आप मान लीजिए कि 40 से ज़्यादा जुलूस नहीं निकलेगा पूरे ज़िले भर में। तो हम और डीसी साहब आज यहाँ पे आए हैं क्षेत्र वगैरह भ्रमण करने के लिए, और हम जॉइंट ऑर्डर निकल चुका है, सभी फोर्स का मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि हो गया है सर। कुछ सेंसिटिव जो हॉट स्पॉट्स है हर थाना क्षेत्र में, इस पर विशेष निगरानी रहेगी हमारी, ताकि कोई असामाजिक कर इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसको भी हम नज़र रख रहे हैं, कोई हुआ हुआ झूठा खबर हुआ जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है, उस पर भी हम नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और हम लोग अतिरिक्त कुछ लाठी बाल भी मिला है मुख्यालय द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा, उससे भी हम लोग ड्यूटी लेंगे, और कुछ होमगार्ड्स के जवान को भी हम लोग अतिरिक्त रखेंगे, और कुछ हमारा क्विक रिएक्शन फोर्स रहेगा जो कि जब भी जहाँ जरूरत हो तुरंत मूव करेगा, और बाकी सब सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट सके। और हमने CRPC 107 में भी कार्रवाई की है, काफ़ी सारे से निरोधात्मक कार्रवाई की गई है ताकि शांति का वातावरण बना रहे। हमारा काफ़ी साल के बाद 19 के बाद पहली बार 2022 में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सरकार ने काफ़ी छूट भी दी है, काफ़ी लिबरल व्यू के साथ काफ़ी छूटें दी हैं ताकि लोग खुशी खुशी रामनवमी पर्व को मना सकें। और पूरे जिलेवासियों की तरफ से डीसी साहब हमारी तरफ से पूरे जिलेवासियों को खुशी अमन और गालोरी नेशनल हाईवे किनारे स्थित प्राचीन रंकरी मंदिर परिसर में शनिवार को अष्टमी पूजा के साथ मां बसंती दुर्गा को विधिवत से पूजा किया गया। पूजा लगातार प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। गालोरी प्राचीन रंकरी मंदिर में पिछले कई वर्षों से बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन होते रहा, परंतु कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों तक यहाँ बसंती पूजा का आयोजन नहीं किया गया। इस बार सरकार द्वारा COVID-19 में कुछ छूट देने पर श्री श्री सार्वजनिक पूजा कमेटी द्वारा बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ पूजा के सारे विधि विधान बांग्ला पंचांग के अनुसार होते हैं। धवन अग्रवाल ने बताया कि बाबा जी के अनुसार पूजा कार्यक्रम चल रहा है और हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य सहयोगी बनकर अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं। कल मंदिर परिसर में कन्या पूजन का आयोजन हो गया, साथ ही प्रसाद स्वरूप भक्तों के बीच खिचड़ी और खीर वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने विनय दास बाबा जी को पगड़ी और लाल गमछा देकर आशीर्वाद लिया। गालोडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। रंकई आज आंचलिक प्राचीन रंकनी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट गालोडी रंकनी मंदिर में बासंती पूजा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। और इस वर्ष ट्रस्ट बनने के बाद पहली बार हम लोग बासंती पूजा में ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मंदिर प्रांगण में अपना भूमिका निभा रहे हैं बाबा जी के आदेशानुसार। और दो बीते 2 दिन से पूजा चल रही है, आज अष्टमी का पूजन हो रहा है और कल नवमी का पूजा होगा, कन्या पूजा होगा, कुंवारी पूजन के बाद में कल महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस अंचल के, इस क्षेत्र के लगभग 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु आते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ज़्यादा है, जिसमें यहाँ पे महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है, जो हर वर्ष के भांति जो बाबा जी निजी स्तर से कराते थे, बाबा जी के द्वारा जो किया जाता था, इस बार भी बाबा जी के द्वारा ही किया जा रहा है। हम लोग बाबा जी के सहयोगी बनकर कार्य कर रहे हैं और काफ़ी भीड़, और देखिए अष्टमी पूजा में आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, महिला आज उपास करती है और खाली पूजा हो रहा है, माँ बासंती का पूजा हो रहा है और मंदिर में काफ़ी चहल पहल दिख रहा है। और कल का नज़ारा कुछ और होगा, कल आप खुद देख सकते हैं कि महाप्रसाद में कितना लोग आते हैं, कितना लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो आप देख सकते हैं। और कल ही महाप्रसाद के बाद यहाँ से झंडा निकलेगा, जिसका रूप चार्ट है रंकनी मंदिर प्रांगण से निकलेगा सुभाष चौक होते हुए नीमतल, और वहां से फिर वापस रंकनी मंदिर आके वो झंडा समाप्त होगा।
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र निवासी विश्वजीत सिंह नामक युवक की कपाली थाना क्षेत्र के पूरी सीली में शुक्रवार दोपहर को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद देर शाम को आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवार और बस्ती वासियों ने डोबो मुख के पुल को जाम कर दिया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब हो कि मृतक युवक परीक्षा देने के लिए चांदी जा रहा था और इसी दौरान यह घटना घटित हुई, जहां एक हाईवा ट्रक ने विश्वजीत को रौंद दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से युवक को MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे कपाली थाना प्रभारी ने कहा कि जो हाईवा ट्रक का संख्या दिया गया है उसके एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने जाम करने वालों से जाम को खाली करने की अपील की और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमशेदपुर से रिपोर्ट, इकबाल आलम। एक जाम देने जा रहा था, चल पीछे से हवा वाला मार दिया, घसीटते हुए ले गया। जब हम स्पॉट पर पहुंचे, पूरा रोड खूने से भरा हुआ, बहुत दूर 10 मीटर तक। वहीं से हम हेलमेट उठाए, बाबू का बैग उठाए, सब चीज जमीन से हम चुन चुन के उठाए। हम बड़े अधिकारी से बात करना चाहते हैं, ताकि ऐसा अपराध करने वाले लोग जो करके भाग जाते हैं, कुत्ते बिल्ली से भी बेहतर मेरा बच्चा को मार दिया। यही निवेदन है आप लोग से कि बड़े अधिकारी आवे और उस गाड़ी वाले को, गाड़ी मालिक को पकड़े और हमको इंसाफ चाहिए। बच्चा तो मेरा चले गया ना, मेरा दुनिया तो अब उजड़ गया। ये 65 साल का उम्र में और हम अब क्या कर सकते हैं, क्या बोले। उजड़ गया, वही कमाने वाला था, कमाता स्कूल में पढ़ा। हमने कपाली थाना में गए, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी हैं, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि थाना वहाँ आप जाइए, वहाँ पे FIR होगा, यहाँ पे FIR नहीं होगा। तो हमने बोला कि क्यों FIR आपके यहाँ नहीं होगा, आपके एरिया पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि MGM में जाइए, MGM में बयान लेगा। जब स्पॉट हो गया है कोई आदमी तो बयान कौन देगा, हम बयान नहीं दे सकते हैं ना। तो हम उनको बोले कि सर जब आदमी मर गया तो बयान कौन देगा। तो इसके बाद वहाँ हम लोग बैठे थे, तो इसके बाद वहाँ जाने के बाद वहाँ का भी जो इलीगल जो वहाँ पे OD अफसर थे वो सिविल में थे, हमको नहीं नॉलेज था। तो हम लोग गए वहाँ पे, होमगार्ड के जवान थे, तो हम लोग बोले कि FIR करना है, तो बोले जाइए आप कपाली थाना, यहाँ FIR नहीं होगा। फिर यहाँ से हम लोग कपाली वहाँ MGM गए, MGM से फिर हम लोग कपाली आएंगे। बताइए कि जिसके घर में एक नौजवान बच्चा मर जाता है तो क्या FIR करने के लिए दौड़ेगा, यही प्रशासन है। अभी आप लोग रोड जाम किया है क्या? हम लोग देखे कि अब हमारे लिए कोई नहीं है, न नेता है, न विधायक है, न मंत्री है। ये सरकार हम लोग का कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन अपने स्तर में, कोई प्रशासन का काम होता है जनता का सेवा करना। हमने प्रशासन के पास गया, प्रशासन यहाँ दौड़ाया, वहाँ दौड़ाया, हम क्या दौड़ते रहेंगे। मेरा बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है, दिन की तरह रखा हुआ है, ना कोई देख ना कोई रेख करने वाला है। बताइए कि हम अपना बॉडी लेके क्या रास्ता, हम लोग बॉडी लेके रास्ता जाम नहीं कर सकते हैं। एक जवान बच्चा के लेके हम लोग मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई खाने का पैसा नहीं कटा है। हम लोग एक जायज मुआवजा कर रहे हैं कि एक जो हाईवा मारा वो हाईवा अरेस्टिंग होना चाहिए। जब आप गाड़ी पकड़ते हैं चेकिंग के दौरान तो बोलते हैं कि आप घर जाइए, आपका गाड़ी घर से हम खोज लेंगे। तो जब हाईवा का नंबर भी हम लोग उपलब्ध करा दिए, कोई आदमी देखा है कि हाईवा मार के जा रहा है, उसका नंबर भी लिया है, उसका गाड़ी का मालिक का भी नाम आ रहा है, तो आप गाड़ी का अरेस्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा। हमारे इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग जाइए, हम गाड़ी अरेस्टिंग कर देंगे। इनका बड़ी अधिकारी अभी तक नहीं है, आप बताइए कि अधिकारी तो आना चाहिए। अधिकारी जब सब कुछ लीगल पेपर है तो अरेस्टिंग करने में तो टाइम नहीं लगेगा। हम लोग अब बैठेंगे, अब क्या करेंगे। बच्चा हम लोग 2 दिन बैठे 5 दिन बैठे, हम लोग बच्चा चले गया, बच्चा चले गया, हम लोग भी बैठेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई। ऋतिक सिंह क्या लगता है? वो मेरा भतीजा लगता है। तो जो डेट क्यों उनका नाम, उनका विश्वजीत कुमार सिंह नाम है। उम्र क्या होगी उसका? उम्र 18 साल। प्लस टू फाइनल का एग्जाम दे रहा था। 18 साल। एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बूढ़ी सिल्ली मोड़ के पास बाइक से बच्चा जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसी क्रम में हाईवा द्वारा क्रम आने से आपको जैसा भी एक्सीडेंट हुआ उसमें इलाज के लिए भेजा गया था MGM। वहाँ जहाँ MGM में डेथ डिक्लेयर किया गया और
बाकी ये जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है, फिर भी इन लोगों के द्वारा जाम किया गया है। गाड़ी मालिक को पकड़ने का डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी मालिक को पकड़ने के लिए हमारा आदमी गया हुआ है, लोकेट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली क्या है, एड्रेस जो है ना वो एक्यूरेट एड्रेस नहीं है। पिन कोड है आपका पूर्वी सिंहभूम का, जबकि एड्रेस है पश्चिमी सिंहभूम का, और वो उसमें फुल एड्रेस नहीं है। एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रतिनिधि से सचिव नेता सुबोध कुमार महाली के नेतृत्व में धारशिला कॉलेज के प्रिंसिपल पीके गुप्ता ने भेंट की। छात्र प्रतिनिधि मंडल ने प्रिंसिपल को एक ज्ञापन सौंप कर महाविद्यालय के द्वारा निर्गत किए जा रहे आई कार्ड के पेपर की गुणवत्ता सुधारने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि एक पतले कागज में प्रिंट कर विद्यार्थियों को आई कार्ड बनाकर दे दिया जा रहा है, जबकि उसके एवज में प्रत्येक विद्यार्थियों से 50 रुपए आई कार्ड वसूल शुल्क लिया जाता है। प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद प्रचार ने कहा कि वे पहले ही आई कार्ड वितरण रुकवा चुके हैं, नई आई कार्ड बनेंगे उसके बाद ही उसका वितरण होगा। इसकी शिकायत पहले ही मिली थी, इसलिए वितरण पर तत्काल रोक लगाई गई है। मौके पर अध्यक्ष राहुल महतो, स्नेहा शीष बेरा, अजय महतो, फरहान अंसारी, स्वरूप गिरी समेत अन्य उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट, सिद्धार्थ आनंद।